यासिर नवाज और अहमद हसन, तुमने मेरा दिल जीत लिया। यार आई एम क्लियरली नॉट एज गुड एज अहमद हसन, बट मजा आ गया, दिल खुश हो गया, हंस हंस के लोट पोट हो गए। यासिर नवाज एंड टीम टेक अ बाउ। हाँ बस यार वो गंदे जोक्स और वो टॉयलेट ह्यूमर ना डालते तो सीन और बेहतर होता और मजा आता, बट नॉन द लेस अच्छी फिल्म बनाई आप लोगों ने। Hi guys, this is Momin Ali Munshi, you're watching Galaxy Lollywood. This is the Sach Sach review, aur aaj main Sach Sach review karunga film Wrong Number 2 ko. यार कल हमने छलावा का रिव्यू रिलीज किया, बहुत से लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया, कुछ लोगों ने थोड़ी सी नेगेटिव कमेंट्स किए और कहा कि ये लोग जी एंटी छलावा हो गए हैं, ये लोग स्मियर कैंपेन चला रहे हैं। यार पिछले चार महीने से मैं बड़ा प्रो छलावा था, ये तो ज़ारा का दोस्त है, ये तो वजाहत का भी दोस्त है, इनका तो फिल्म में नाम भी आ गया, तो प्रो छलावा एंटी रॉन्ग नंबर है। एंड नाउ द फिल्म हैज कम आउट एंड आई हैव गिवन इट अ बैड रिव्यू, आई एम सडनली प्रो रॉन्ग नंबर एंड एंटी छलावा। यार अपना दिमाग बना लें, सोच लें कि मैं किस टीम में हूँ। शायद मैं किसी टीम में नहीं हूँ, शायद मैं प्रो सच हूँ, शायद मैं प्रो अपने ओपिनियंस हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से व्हाट वी एट गैलेक्सी लॉलीवुड फील। रॉन्ग नंबर टू है यासिर नवाज की तीसरी फिल्म आफ्टर रॉन्ग नंबर वन एंड मेरे निसा वी लव यू, एंड दिस इज बाय फार हिज स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट येट। एक टाइट और इंगेजिंग स्क्रीन पे है जो आपको पहले सीन से लेकर एंड तक जकड़े रखता है। दानिश नवाज ने कहानी लिखी है और अहमद हसन डायलॉग्स लिखे हैं, बहुत फनी सीन्स हैं, हिलेरियस वन लाइनर्स हैं और बहुत ज़्यादा पॉप कल्चर रेफरेंसेस हैं जो मुझे तो बहुत पसंद आई, और पूरा सिनेमा जो एक यूनिट की तरफ बार बार हंस रहा था, आई कैन ओनली अज्यूम कि उन सबको भी पसंद आई। बस एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो एक टॉयलेट ह्यूमर, जो एक बीच में गंदे जोक्स आते हैं, वो धोता नहीं है मेरा अंडरवेयर, मतलब इट वॉज जस्ट अननीडेड। मतलब एक इतनी मजे की आपने इंटरटेनिंग फैमिली कॉमेडी बनाई है आपने, उसमें वाई वुड यू लाइक यू नो पुट सम जोक्स इन इट जो थोड़ा सा लोगों को अनकंफर्टेबल कर देंगे। उसके अलावा आई फेल्ट द फिल्म इज स्पॉट ऑन। फिल्म की कहानी की बात करें तो मैं आपको कहानी ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, अगर आपने ट्रेलर देखा आपको आइडिया है कि फिल्म किस तरह की है, क्योंकि ट्रेलर में जो कहानी आपको पता चलती है फिल्म में मोर लेस वही है, बट वो जिस तरह से थोड़े ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं वो आई वुड वांट यू टू एंजॉय फॉर योरसेल्फ इन द सिनेमास। एक बहुत मजे की बात मुझे ये लगी कि फिल्म में कोई 3 से 4 मल्टीपल प्लॉट्स चल रहे होते हैं और एंड में कैसे सबको समेटा गया, कैसे रैप अप किया गया, ये मुझे बहुत पसंद आया। बस हमारी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म मेकर्स एक प्लॉट को इसी तरह संभाल नहीं पाते, और यहाँ पे इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स, इतने ज़्यादा प्लॉट्स को बहुत अच्छे तरीके से एंड पर समेटा गया है। एक्टिंग की बात करें सो आई एम नॉट श्योर मैं कहाँ पर बात शुरू करूँ, कहाँ पर बात खत्म करूँ, क्योंकि एक एक बंदे ने बहुत उम्दा तरीन परफॉर्मेंस दिया है। एक एंसेंबल कास्ट फिल्म है जिसमें बहुत से कैरेक्टर्स हैं। यासिर नवाज ने अपने कुछ इंटरव्यूज में कहा था कि इस फिल्म में कोई लीडिंग पेयर नहीं है, मतलब समी खान और नीलम मुनीर यहाँ पे एज स्टार्स नहीं है, वो यहाँ पे एज कैरेक्टर्स हैं। इफ एनीथिंग यू कुड से कि यासिर नवाज हिमसेल्फ इज अ प्रोटैगनिस्ट, लेकिन सब लोगों को एम्पल स्क्रीन स्पेस मिली है, सब लोगों को टाइम मिलता है कि वो अपने कैरेक्टर को, अपने डायलॉग्स को अच्छी तरह से निभा सकें। ऑन द डू फील कि जावेद शेख और महमूद असलम का पार्ट थोड़ा सा कम किया जा सकता था, बट ऑन द होल एवरीबडी शाइंस ब्राइट इन दिस फिल्म। नीलम मुनीर एज द फाइस्टी मेन लीड डज रियली वेल, शी ड्रेसेज द पार्ट, शी लुक्स ब्यूटीफुल, और उनको जो रोल दिया गया वो उसमें अच्छा काम करती हैं। ऑल्दो आई डू विश के नीलम का एक प्रॉपर डांस वाला गाना बनता था। हाँ एंड पे एक शादी नंबर आता जहाँ पे यशमा गिल भी आती हैं, बट दैट सॉन्ग कुड हैव बीन डन विदाउट यशमा, नॉट दैट शी वाज बैड, शी डिड रियली वेल और निकाह हुसैन ने बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की है, बट अ सोलो नीलम एंड समी नंबर वुड हैव यू नो बीन मोर फन। समी खान इज अ ग्रेट परफॉर्मर, बट मुझे ऐसा लगा उन्हें इस फिल्म में जाया किया गया। इट वॉज नाइस सीइंग हिम टू कॉमेडी ऑन स्क्रीन, बट रोल थोड़ा और सब्सटेंशियल हो सकता था। उसके अलावा मेरे दो छोटे से कॉमेंट्स हैं। पहला, जिस बंदे ने समी का हेयर मेकअप किया है, यार आपने क्या किया बेचारे समी के साथ, पूरी फिल्म में उनके बाल वर ऑल ओवर द प्लेस एंड इट कुड हैव बीन डन बेटर। एंड सेकेंडली, समी के डांसिंग स्किल्स आर यू नो दे शुड बी सीन ऑन द बिग स्क्रीन, मतलब ही सो क्यूट, यू नो उनके स्टेप्स एग्जैक्टली वही हैं जो नीलम मुनीर के स्टेप्स हैं, विच वाज समथिंग इंटरेस्टिंग कि हीरो हीरोइन के एग्जैक्ट सेम स्टेप्स थे गानों में, बट हिज एक्सप्रेशंस आर जस्ट टू गुड। यार यासिर नवाज इतने अच्छे एक्टर, आई हैड नो आइडिया, मतलब मैंने उनका काम टीवी पे इतना खास नहीं देखा, सो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज व्हेन आई सॉ हिम ऑन द बिग स्क्रीन प्लेइंग दिस नाइव मासूम बेचारा सा कैरेक्टर। एंड सबसे मजे की बात मुझे ये लगी कि इसमें बहुत सारा सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर था, मतलब अपना ही मजाक उड़ाया जा रहा था कि तू रीच का बच्चा, अंकल, मोटा, फुटबॉल, दलेर मेहंदी, तो जब अपना मजाक आप खुद उड़ा सकते हैं दैट मीन्स उससे बेहतर कोई बात कॉमेडी में मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। सना फखर एज एन इमोशनल लेयर टू द फिल्म, इट वॉज रियली नाइस सीइंग द एक्ट्रेस बैक ऑन द सिल्वर स्क्रीन, और सना की ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द बेचारी कैरेक्टर इन द प्री इंटरवल पोर्शंस टू द सेक्सी मेड इन द पोस्ट इंटरवल पोर्शंस वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। जावेद शेख एंड महमूद असलम किल इट विद देयर पश्तून एक्सेंट्स, बहुत स्पॉट ऑन उनके एक्सेंट्स और बहुत मजे के उनके सीन्स हैं। मुझे पर्सनल तौर पे थोड़ा सा लगा उनका स्क्रीन स्पेस थोड़ा सा कम किया जा सकता था इन फेवर ऑफ अदर कैरेक्टर्स, बट ऑन द होल इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और एक्टर्स की बात करूँ तो दानिश नवाज ने बहुत मज़े का रोल किया है, वो फिल्म के राइटर भी हैं और उसके साथ वो एक बहुत ही फनी कैरेक्टर भी निभाते हैं, और इट्स ही इज़ जस्ट रियली फनी। अहमद हसन जिन्होंने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं वो भी एक
बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लेकर आते फिल्म के आखिरी पोर्शन में। एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग, जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था मुझे ये कैरेक्टर सबसे अनोइंग और सबसे लगा था यार ये क्या ओवर द टॉप कैरेक्टर है, बट फिल्म में उतना ही मैंने हैप्पी के कैरेक्टर को एंजॉय किया। बहुत ही एक डिफरेंट कैरेक्टर था और बहुत ही मजे के डायलॉग्स हैं, और अहमद के डायलॉग्स पूरी फिल्म में बहुत मजे के हैं। फरिया जबीन जी के कोई 2 से 3 सीन्स हैं, बट यार शी लीव्स एन इम्पैक्ट एंड शी इज माई फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम द फिल्म। यार हंस हंस के बंदा पागल हो जाता है, और मुझे लगता है अगर पंजाबी कैरेक्टर सही तरह से लिखा होना और सही तरह से परफॉर्म किया जाए तो उससे फनी कुछ नहीं होता। इनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं अशरफ खान और इरफान खुसर, और इन तीनों का जो ट्राई होना है इनके बहुत मजे के सीन्स हैं, एंड आई थिंक मेरे फेवरेट सीन्स फिल्म इन तीनों के हैं। उसके अलावा बहुत से और सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, शफकत चीमा जी हैं, और बहुत लंबी लिस्ट है, और हर कोई कुछ ना कुछ टेबल पर लेकर आता है और फिल्म में वैल्यू ऐड करता है कि एंड पर जब एक बहुत एज अ वन बिग प्रोडक्ट फिल्म देखते हो ना तो एंसेंबल कास्ट आपको पता चलता है कि होती क्या है, वो आपको इस फिल्म से पता चलता है। म्यूजिक की बात करें यार तो कुछ खास बात करने के लिए है नहीं, जो गाने थे बस ठीक थे, कोई सौ थे, कोई कुछ बहुत अच्छे भी नहीं थे, बहुत बुरे भी नहीं थे, बस ठीक था। बैकग्राउंड स्कोर बहुत मजे का था पार्ट्स में, एंड यासिर नवाज की डायरेक्शन बहुत मजे की थी उन गानों को जो उन्होंने शूट किया, बट म्यूजिक कुड हैव बीन अ बिट मोर बेटर आई फील। टू सम इट अप, इट्स द परफेक्ट ईद एंटरटेनर फॉर यू एंड योर फैमिलीज दिस ईद। एक कॉमेडी फिल्म है, आप इंजॉय करेंगे, आप हंसते हुए बाहर निकलेंगे, और यासिर नवाज ने आपको एक बहुत खूबसूरत ईद का तोहफा दिया है, और ये साबित किया है कि एक पाकिस्तानी फिल्म मेकर कम बजट के साथ भी अच्छी फिल्म बना सकता है। यू डोंट नीड फॉरेन लोकेशंस और एक्जॉटिक एक्सट्रावेगेंट बजट्स, आपको अच्छी कहानी, अच्छा इंगेजिंग स्क्रीन प्ले, अच्छे डायलॉग्स, अच्छी एक्टिंग और अच्छी डायरेक्शन चाहिए एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, और यासिर ने यही बात प्रूव किया इस फिल्म के साथ। एज अ रिव्यूअर आई विल गिव इट अबाउट 3 और 3.5 स्टार्स के बीच में कहीं। For more such videos, stay tuned to Galaxy Lollywood. Like करें, share करें, comment करें और देखते रहें the such such review only on Galaxy Lollywood.